रिश्ता लिखेंगे हम नया। हे भगवान, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी दाल कौन सी वाली दाल है? दोनों ही येलो कलर की है, सिर्फ साइज अलग है। क्या करे? अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा जो बजट में भी फिट हो जाए? समझ को नहीं आ रहा से ना? लीजिए, हम आपको बताते हैं। ये जो बड़े दाने से ना, वो चने की दाल से, और ये तुअर दाल से, और इससे जो छोटे दाने होते हैं ना, वो मूंग दाल से। दिखाइए, आधा डब्बा आटा, मतलब लिखिए 15 किलो। केसर महल होटल का बजट जितना आसान है, घर के राशन का लिस्ट बताना उतना ही मुश्किल। मुश्किल है? ये होटल का बजट बनाना कितना मुश्किल है? कितने पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं? बजट और होली का फेस्टिवल। अब ये जो मैंने बनाया है, ये सही है या गलत, ये किससे पता करूं, किससे पूछूं मैं? अब ये लिस्ट 90% सही से, ठीक? आगे का आप देख लीजिए। खाने पीने की लिस्ट तो हो चुकी से, बाकी रहे मसाले और बाकी सारी चीजें। आप लिस्ट बनाकर रखिए, हम आगे देख लेंगे। Come on, दिया, आप ये कर सकती है। दिया ने तो इतने सालों तक ये होटल चलाया है, और बजट के बारे में I'm damn sure उन्हें पता होगा। उन्हीं को कॉल करता हूं। नहीं, काकी मासा तो इस वक्त दिया के साथ ही है, एंड आई एम श्योर वो दिया को होटल कभी नहीं आने देंगी। क्या करूं फिर? दिया ठकराणी सा घर का काम सीख रहे से, कर लेवेंगी वो सब कुछ धीरे धीरे। नित्यानंदन भाई सा, हम इस बात पर कौन ही विश्वास रखते से कि एक औरत की जगह सिर्फ घर में या घर की रसोई तक सीमित से। हम औरतों की स्वतंत्रता पर घना विश्वास रखते से, लेकिन हम जैसे फंस गए से। ठकराणी सा की शादी को सफल बनाए रखने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा से। उनकी काबिलियत को देख के दाता हुकुम को ऐसा लग रहा से कि वो उनसे कम से। दया कर सी काल का मां, हम दाता हुकुम को ये सब कैसे समझाए? अभी सिर्फ 21 साल के से वो बच्चे से। भाभी साहब, हम जिस दिन मोहना बाईसा के घर तोहफे देने गए थे, उस दिन वहां हमारी मुलाकात अर्पिता बाईसा से हुई। उन्होंने अपनी धमकी फिर से दोहराई। दिया ठकराणी सा और दाता हुकुम एक दूसरे के लिए ही बने से, और उनकी शादी भी अच्छी चल रही सी। अर्पिता बाई सा यूं ही झूठ बोलकर हमें डरा रही सी। दाता हुकुम अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे को नहीं हटेंगे। रुकिए, कौन से आप? खम्मा घड़ी हुकुम। खम्मा घड़ी? हम झुमकी की भाभी सा से, और हमें उनसे कुछ काम था, बस उन्हीं को ढूंढ रहे से। झुमकी
किचन में है उस तरफ, आप वहीं चले जाइए। जी हुकुम। ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है आपको? ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है हमें? आप नॉर्मली ऐसे कपड़ों में घूमते तो शायद हमें शौक ना लगता। अब फिर से काकी माँ से हमें ही डांटेंगी। दिया, प्लीज ये लिस्ट विस बाद में जो भी आपको करना है इसके साथ कीजिएगा। और एक सेकंड, अभी क्या है ना, होटल के बजट की मीटिंग है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। एक सेकंड, आप एक काम कीजिए, इस पे आइए, जल्दी से बैठ जाइए, आइए बैठिए। ये लीजिए, जल्दी से चेक करके बताइए ना मुझे। अब मैं बाल साफ करता हूं आपके, आप प्लीज काम पे फोकस कीजिए। बालम जी आरो बालम जी वाव रतन, आपने सुपर बजटिंग की है, आपने सारे हेड्स कवर कर लिए, इनफैक्ट लोकल्स के लिए भी बजटिंग की हुई है और होली के फेस्टिवल की भी। वेरी नाइस, आपने सब कुछ कवर कर लिया है, बस एक डिपार्टमेंट रह गया। कौन सा? केसर महल एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। देखिए अब पीक सीजन है ना, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग आएंगे, टूरिस्ट ज्यादा होंगे तो डिमांड भी ज्यादा होगी। तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ता है कि हमें होटल में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि होटल के फूड मेन्यू में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, स्पेशल आइटम्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। बाओ दिया, आप तो ग्रेट हैं। दिया, आपके एडवाइस की जरूरत कैसे मैन होटल में बहुत जरूरी है। थैंक यू। एंड दिया, आपसे अच्छा चेयरपर्सन कैसे मैन होटल को मिल ही नहीं सकता। और उस दिन मैंने अपना झूठ छुपाने के लिए काकी मासा से कहा था कि मुझे आपसे कॉम्प्लेक्स है, वरना काम के मामले में मेरा तो आपसे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, आप तो गुरु हैं। दिया, यू आर द बेस्ट। अब एक बार वहां देखिए ना प्लीज। अपना पल्लू मत भूलिए। ये रतन भी ना,
की रात से परिवार में तलाक होगा। दाता हुकुम और दिया ठकरानी साका, क्योंकि शादी निभाना बच्चों का खेल नहीं है। ये तो वही कपल है जिसके बारे में हम अभी अभी बात कर रहे थे। पता नहीं शादी क्यों करते ऐसे लोग जब इनके बीच तालमेल ही नहीं होता। आपको तो कोई चटाके को नहीं आए से, तो आपने हमसे झूठ क्यों कहा? दिया ने ये झूठ मेरे कहने पे कहा था कि मासा, मुझे तो अब दिया से कॉम्प्लेक्स होने लगा और मुझे ये लगता है कि मैं दिया से हर मामले में कम। ताकि मासा सिर्फ इसलिए मैं नहीं चाहता कि दिया ये ठकरानी सा की रस्म पूरी करे, क्योंकि फिर घर में भी सब दिया दिया करेंगे। बुआ सा, उस किटी पार्टी में सबसे खूबसूरत साड़ी हमारी लग रही थी और आप जानते हैं हमसे सब पूछ रहे थे कि वो साड़ी हमने कहां से डिजाइन कराई, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया कि वो साड़ी हमने खुद डिजाइन की है और हमारी साड़ी पर जो डायमंड लगे हुए थे। अब जाइए यहां से। हां मासा एक मिनट। और आपने सुना कोनी, हमें जरूरी बात करनी है इनसे। जाइए यहां से, जाइए बाईसा। आप जाइए, हम बाद में बात करते हैं। क्या बात है भाभी साहब? आइए हमारे साथ। ए घुमिया, क्या उस औरत के पोशाक में दाता हुकुम थे? उन्होंने हमसे झूठ बोला? दया कर सी काल का, पता नहीं ये क्यों हो रहा से। दाता हुकुम और दिया ठकरानी सा झूठ पे झूठ बोले जा रहे से। वो दोनों हमसे कुछ तो छुपा रहे से। नित्यानंदन भाई साहब, आपको याद है जब मोहना भाई साहब केसर महल हमें मिलने आई थी, तब उन दोनों को देखकर उन्होंने क्या कहा था? हाँ भाभी साहब, पर आप भी तो याद कीजिए कि इस बात पर दाता हुकुम और दिया ठकरानी सा ने पूरी सफाई दी थी कि किस बात पर वो दोनों रास्ते पर लड़ पड़े थे। लेकिन अगर उनकी वो बात भी झूठ हुई तो, एक सुखी वैवाहिक जीवन का झूठ बोला हो तो, क्योंकि उस दिन के बाद, ठीक 4 दिन के बाद यश पन्ना की सगाई से, सगाई के बाद अगर उन्होंने अपना ये रिश्ता तोड़ दिया तो दिया ठकरानी सा को अपनी बहू मानकर उन्हें शाबाशी देने जा रहे थे कि उन्होंने महीने की राशन की लिस्ट इतनी सही तरीके से बनाई से। उन्हें इनाम देना चाहते थे हम, लेकिन देखिए नित्यानंद भाई साहब, उन्होंने हमें ऐसा इनाम दे दिया। भाभी साहब प्लीज, भाभी साहब संभालिए अपने आप को। कुछ भी सोचने से पहले हमें दाता हुकुम और दिया ठकरानी सा से एक बार बात कर लेनी चाहिए। हम बात करके आते हैं। रुकिए नित्यानंद भाई साहब, वो दोनों हमें सच को नहीं बतावेंगे, हमें ही पता लगाना होगा। पर हम ये कैसे करेंगे भाभी साहब? हम को नहीं जानते। कल होली से हम उन दोनों से ऐसी गलती करवाएंगे जिससे सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दया कर सी काल का, हम जो सोच रहे थे वो गलत हो मां। बड़े दिनों के बाद इस हवेली में मजेदार खबर सुनने को मिली सर, क्या मजो आ गए हो? जानते हैं यश बन्ना, कल महल में कितनी चहल पहल होगी ना, रौनक लग जाएगी। हमें तो ये रंगों का त्योहार बहुत ही पसंद है। सब कैसे एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं ना। हमारी बात तो सुनिए,
सॉरी काकू साहब, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे होली से सख्त नफरत है। ये भी कोई फेस्टिवल हुआ? अपने हैंडसम से चेहरे पे काला पीला रंग लगाकर लोग बंदरों की तरह घूमते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो अलग। पता नहीं लोगों को होली खेलने में इतना मजा क्यों आता है। होली खेलने में जो मजा है ना, वो और किसी भी त्योहार में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने दिया भाई साहब, और कल दाता हुकुम के साथ आपकी पहली होली है और आखिरी भी। बस कल ये होली का प्रोग्राम निपट जाए, परसों यश बना की सगाई हो जाए, फिर सबको सच बता दूंगा। दाता हुकुम कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं काकू सा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर होली वाले दिन भगवान मुझे टॉर्टोइस बना दे तो कछुआ। हाँ कछुआ तो कितना अच्छा होता ना, मैं आराम से अपने शहर में बैठता और मजे करता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने अब ये डिसाइड किया कि होली वाले दिन मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ। हैं? वहाँ पे ना ही कोई रंगों का मेला होगा और ना ही कोई शोर शराबा। काकू सर, मेरे हेडफोन्स। हाँ लीजिए। थैंक यू। लूटो चालू से। पता है? पता हुकुम, ना तो हम आपको कछुआ बनने देंगे, ना ही फार्म हाउस जाने देंगे, क्योंकि कल छोटी ठकानी सा आप दोनों के साथ होली खेलेंगी। ना ना, रंगों की ना, बल्कि शब्दों की पिचकारी चलेगी कल तो। यशबन्ना, होली के दिन सब एक दूसरे से कितना खुल के बातें करते हैं ना, अपने गिले शिकवे मन मुटाव सब कुछ भूल के एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। कल हम केसर महल में मिलना, होली एकदम धूमधाम और मस्ती से मनाएंगे। पर आज तो होली का दहन है ना, तो पहले हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। वो सब तो ठीक, लेकिन आपने ये बड़ी थाली और हमें छोटी थाली क्यों दी है? अरे नहीं, क्या कर रही हैं आप? सॉरी, हम एक्चुअली ये फूल होलिका दहन की पूजा के लिए लेके जा रहे थे। हम बस उसी की तैयारी के लिए जा रहे हैं। कल चारों तरफ रंग ही रंग होंगे, कल होली है ना। कोई चारों तरफ रंग नहीं होगा। आई हेट होली, और वैसे भी ये रंग वंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरी दुनिया में आप पहले इंसान होंगे जिन्हें रंग ही पसंद नहीं। हम नहीं जानते, कल होली रंगों के साथ ही मनाई जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, इस घर में कोई होली नहीं होगी। जरूर होगी। बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा ना, इस घर में होली नहीं बनेगी। It's just total waste of time and energy. और कुछ नहीं होती होली। तो क्या हुआ? पर उसके साथ साथ इतनी खुशियां बढ़ती है, उसका क्या? होली तो कल मनेगी, और वो भी रंगों के साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना दिया, मैं कुछ कल आपके और ठकराणी सा की पहली होली से बहुत मेहमान आवेंगे आपसे मिलने के लिए। होली तो जरूर मनेगी, और वो भी रंगों के साथ। यशबन्ना और मोहना बाई सा की भी तो पहली होली है ना। ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक है। और भाभी सा के बीच आंखों आंखों में जो इशारे चल रहे थे, हमारे को सब समझ में आ रहा है। पर जो भी करना है जल्दी कीजिए, ताकि होली को मजो दुगनो हो जावे। रैम मजो आ गयो।
होली कैसा रबिश फेस्टिवल है। इस साल होली हमारे हिसाब से मनाई जा रही है, इसलिए आप कुड़कुड़ कर रहे हैं ना। हाँ तो हो रही है मुझे चिड़चिड़, जिसको देखो आप ही की साइड लेता रहता है, पार्शियलिटी हुई ना ये तो। अच्छा आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि शर्त लगा लीजिए, कल आपको सर से पांव तक हम पूरा रंग देंगे। देखते हैं, हार जाएंगी आप, मैं खुद पे रंग लगने नहीं दूंगा। देख लीजिए, हम आपको भी रंग देंगे और सारे घर वालों को भी। देखो आप गिरती रहती हैं दिया, आप भी तो होते हैं ना हमेशा हमें संभालने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। आप दोनों की परीक्षा के कड़े से जितना झूठ बोला है आपने हमसे, उन सब का हिसाब किताब होगा। दया कर सीकाल का मां। दादा हुकुम की जय। 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 दादा हुकुम Oh, 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 oh
पहली होली आपको मुबारक हो टकरानी सर। आई रे होली आई रे, आंगन के रंग रंगाई रे। आपको भी काकी मासा। आई रे होली आई रे, आंगन के रंग रंगाई रे। होली हो। काकू सा, ये आपके बाल लाल कैसे हो गए? ये क्या बताया दाता हुकुम, हमारे नालायक पोते की वजह से शैम्पू की बोतल में रंग घुसेर दिया उन्होंने, हमारे सारे बाल लाल हो गए। हमें लगा कि हर्बल शैम्पू से लाल रंग का खुशबू वाला, हमें क्या पता था कि लाल रंग निकलेगा ही को नहीं, साफे के अंदर से भी दिखाई देगा। दाता हुकुम, रंगों का महोत्सव शुरू किया जाए। होली मुबारक। खेला खेला होली, खेला होली खेला। हमें भी दीजिए मुबारक। हम मेहमानों से मिलने वाले थे ना, हाँ चलो 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 चलो। हैप्पी होली दिया भाई सा। हैप्पी होली ईशा जी जी सा। हैप्पी होली दाता हुकुम। हैप्पी होली जी जी सा। आप एकदम सही वक्त पे आई हैं। कितने दिन हो गए ना हमें मिले, कितनी सारी बातें बतानी है आपको। हैप्पी होली काकू जी। हैप्पी होली यशबन्ना। हैप्पी होली यशबन्ना। हैप्पी होली भाई साहब। मोहना भाई साहब कहाँ है? हाँ अभी तक आई नहीं। मोहना को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। हम एक काम करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं। घर वाले सभी वही हैं। आप अभी अभी आई है ना, सबसे मिल लीजिए। हाँ हम अभी आते हैं। हम अभी यश को बता देते। यश, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और देखो आप ही का फोन आ गया। हाँ कहाँ हैं आप? यहाँ सब वेट कर रहे हैं आपका। यश वो एक्चुअली हम होली के लिए नहीं आ पाएंगे, हम इसीलिए आपको फोन करने वाले थे। लेकिन क्यों? वो एक्चुअली हमारी मासा का फोन आया था, उनके जो रिश्तेदार है वो काफी सीरियस है और उन्हें हमारी ब्लड की जरूरत है। आप कहें तो हम चलें आपके साथ। अभी नहीं यश, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको खुद ही बता देंगे। ठीक है बाय। रतन, आपको हमारा चैलेंज तो याद है ना? पूरा रंग देंगे हम आपको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दिया,
हार जाएंगी आप। आपका ये जो सफेद कुर्ता है ना, वो ज्यादा समय तक सफेद नहीं रहेगा। देखते हैं। देखते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.